मुझे मोस्टली थोड़े डार्क कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं कुछ ज्यादा ही मासूम है अच्छा सीरियसली शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन माशाल्लाह सो आई तुम्हें नहीं बता कभी बताया नहीं बहुत जल्दी समझ में नहीं आते जो इनको समझते हैं इनके साथ वही रह सकते हैं जी असल मैं सोबिया मेहर और आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही खास है और, बहुत ही क्यूट सा कपल है। नान जलानी और उनकी खूबसूरत सी वाइफ जो आज हमारे साथ है ठीक हूँ आप, आप कैसे हैं आप कैसी है मैं तो ये जानना चाहूंगी जैसी आपकी पर्सनैलिटी है तो माशला बड़े कमाल के आप रोल भी करते हैं अब तक हमारे टीवी में सबसे फेवरेट अब तक आपका कौन सा किरदार है जो आपको पसंद है बहुत सारे किरदार हैं एक माँ बाप जो होते हैं उनको अपनी सारी औलादें प्यारी होती हैं तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे बेबीज़ हैं तो मुझे अपने सारे बेबीज़ अच्छे लगते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा मैं नक्शल में देखूँ तो आंचल है कफारा है रियासत है दोहरी है अपने तो क्रेज़ इतने

हीरो का जो काम है वो तो बहुत ऑफ स्क्रीन अदनान साहब कैसे है एक बीवी से अच्छा कोई नहीं जानता होगा और एक बीवी से अच्छा कोई बता भी नहीं सकता <laughs> तो ऑफ स्क्रीन अदनान साहब बहुत रोमांटिक है बहुत हार्ड है मतलब किस टाइप की करेक्टर्स यार ऑफ स्क्रीन इज ए नाइस बिल्कुल एक नॉर्मल uh, आदमी है

एक सेकंड चालाकियाँ आई हैं जो होशियारियां होती हैं ना ये वो इनमें ये चीज़ नहीं है क्यूट और क्यूट है, दिल के अच्छे हैं और आ, कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं कुछ ज्यादा ही मासूम है अच्छा सीरियसली क्या कहेंगे आप अपनी मतलब तो ये जो बातें वो वैसे ही आपकी पर्सपेक्टिव है <laughs> <laughs> जब बेग में बोलती मुझे लगता था हमारे जो मर्द है वो चुप हो जाते हैं ऐसे ही नहीं ऐसी बात बात ये जो बीवी होती हैं उनका अपना एक नज़रिया होता है उस नजरिए को हम चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम 24/7 रहते हैं ना साथ में तो हमें आइडिया होता हाँ, है ऐसा ही है लेकिन मुझे ये लगता है कि हर इंसान की फितरत होती है नेचर कान बी चेंज बेसिकली वेरी पोलाइट गाय वेरी पोलाइट पर्सन सॉफ्ट हार्टेड हूँ अब अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मुझे बनाया ऐसा ठीक है वह बहुत कम आता है लेकिन आता है तो किसी बहुत ही जायज़ बात पे आएगा तो आएगा अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इंसान के प्यार इंसान के पास इस वक्त दुनिया में जो दौर में हम जी रहे हैं प्यार करने के लिए ज़िंदगी थोड़ी पड़ गई है तो नफरत के लिए वक्त कहाँ से निकाल बिल्कुल ऐसे ही है आप इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करना पसंद करते हैं मतलब एक्टर्स जो होते हैं हम लोगों के तो उनमें से आपको क्या लगता है कि यार हाँ ये मेरी टीम बहुत बेस्ट है और मैं हमेशा इन्हीं के साथ चाहूँगा दिल से काम करना ऐसे कौन लोग हैं मैं अलहमदिल्ला किसी भी कैम्प का हिस्सा नहीं हूँ कैम्प कहते हैं कैंप फलाना के मैं एक फ्रीलांस एक्टर हूँ मुझे हर एक के साथ काम करना पसंद है बस मुझे प्रोफेशनलिज्म चाहिए मुझे इंतहा प्रोफेशनल आई एम हाईली प्रोफेशनल नौ बजे का मतलब नौ बजे yes. बजे का मतलब दस बजे जैसे हमारे न्यू फेजेज आते हैं तो उनके साथ काम करने में कभी मुश्किल आई हैं कि यार ये न्यू फेज हैं हम मतलब सीनियर हैं काम का पता है और इनके साथ काम करने में थोड़ी मुश्किल कभी ऐसे सीन हुए हैं सेट पे आपके साथ ठीक है हर काम का एक असूल है ना सबसे उसमें सबसे बड़ा असूल काम के अंदर भी और रिश्ते के अंदर एहतराम लाजमी है yes. एहतराम से मोहब्बत पैदा होती है तो मैं एहतराम करता हूँ सबका चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों चाहे यंगस्टर्स में जो भी हों तो जिसके पास जो होता है वो अगले को सामने देता है वो उसके इवज में उसको भी चीज़ मिलती है मैं सबको इज्जत देता हूँ इज्जत करता हूँ बिल्कुल तो मुझे भी अल्लाह बाग इज़्ज़त ही देता है एंड आई एम वेरी मूडी जैसे और भी एक्टर्स होते हैं कि मूड स्विंग्स भी करते हैं लेकिन yes. उसको मैं अपनी हद तक ही रखता हूँ और अगर थोड़ा बहुत मेरे मूड को अगर सहना पड़ता है तो नेहा जी को सहना पड़ता है <laughs> तो वो फिर आ जाकर बीवियों को ही सब बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे और करेगा लव आग ये दी है जिंदगी में मर्दों को ये तो एक तोहफा दिया है दुनिया में नेहा का मेरा ऐसा है कि अलहमदिल्ला तो यही है लेकिन शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड So I, तुम्हें नहीं पता नहीं। नहीं 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 है ना ये लेती रहती है ना चुटकी ले ली हल्की सी फिर निकल गई आगे फिर अच्छा इसी तरह लाइफ में अगर वैसी लोग जो है आजकल के दौर में जो नॉर्मली लोगों का जो रिएक्शन होता है यार बड़ा डिप्रेशन है यार ये हो गया है, वो हो गया है, वो हो रहा है महंगाई हो रही है ये हो रही है ठीक है सब कुछ हो रहा है मैंने एक चीज़ ज़िंदगी में सीखी है वो ये है कि पास्ट में नहीं रहना चाहिए जो गुजर गया सो गुज़र गया जो आगे होना है उसका पता नहीं है तो लिव इन द मोमेंट लिव इन द प्रेजेंट जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था तो कोई ऐसी चीज जो आपको लेके कि यार ये शायद अभी मेरे साथ नहीं होनी चाहिए आई डू माय वर्क मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूं बनना भी चाहता हूं मतलब आपके स्टार्ट के जो टाइम था तो कुछ ऐसी बात जो तब ऐसी हुई हो जो आपको बहुत हर्ट की हो जितना टाइम मुझे लगा है अपने करियर में आने में जाहिर तफरदوق मैंने की है जिन प्रोड्यूसर्स ने कहा था कि नहीं यार हालाँकि कुर्बान जी नानी साहब अल्लाह बख्शे मेरे वाले साहब बहुत ही वॉज एक लेजेंडरी एक्टर उनका बेटा होने के बावजूद कभी ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था, था कभी कुछ कभी कुछ तो आ, मैं नौमीद हो गया था और मैंने सोचा कि नहीं मैं शायद नहीं कर सकता मुझे पता नहीं क्या चल रहा था क्योंकि वो मेरा वक्त ही नहीं रखा था hmm. तो एक दिन बस आए, जस्ट दोपहर का वक्त था दोपहर के खाने के बाद मैं बस सोने लगा था तो बाबा की कॉल आई टेलीविजन से कह लेंगे यार तुम पहुँचो काजिम बादशाह साहब जो हैं तुम्हें याद कर रहे हैं इज़ माई गॉड फादर इज माई टीचर काजिम बादशाह साहब जो हैं मुझे याद कर रहे हैं ओके पहुँच गया पहुँचा तो बस डैडी ने उनसे बात बात कह लेंगे के, यहाँ ये काजिम साहब ये आपके हवाले हैं अगर लगे कि इसके अंदर कुछ है तो ठीक है वरना इसको भेज दीजिएगा वापस यार ये कैसा बाप है मेरा कैसे बाप जो इतने ब्लंटली बोल के चले गए और वो जी के रूम में चले गए साहब के कमरे में कालम साहब में दो चार बातें की होता है हर सब्र का ना आपको हल मिलता है। आप जब बहुत दिल से किसी को चाहते हैं किसी काम को किसी शख्स को वो आपको मिलता जरूर है तो उसके लिए थोड़ा सबर चाहिए होता है जो हमें बहुत अमूमन नहीं होता एंड ये ऑफर्ड मी थ्री कैरेक्टर्स अच्छा हाँ तो ये करोगे ये करोगे ये करोगे हाँ, क्या एक, क्या करोगे। हाँ, क्या एक क्या? हीरो का जो कैरेक्टर था बज़ाहिर जो हीरो था वो सऊद सऊद ने किया था okay. uh, और एक स्टूडेंट लीडर का था जो नदीम शाह ने किया था एक तीसरा था नेगेटिव था तो ही सर कि यार ये तीसरा जो है नेगेटिव okay. है लेकिन इसमें वाइटनर लगाना पड़ेगा बट इट्स वेरी ड्रेंजर है इसमें ये वो है ये हुआ और इसमें ये होगा ये होगा, होगा। मैंने कहा सर मैं ये करूंगा अच्छा एट दैट टाइम आई वाज ट्वेंटी फोर कह तुम क्यों ऐसा करना चाह रहे हो तुम तो दूसरे दूसरे दो कैरेक्टर्स दे रहे हो वो क्यों नहीं कर रहे अब मुझे आ, उस सब थोड़ा बहुत तो अंदाजा हुआ था लेकिन बाद में अंदाजा हो गया था कि वो सब ये देखना चाह रहे थे कि ये चाह क्या रहा चाह क्या रहा तो मैंने कहा सर मैं हीरो नहीं बनना चाहता आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर Okay. तो मेरी जो शुरू से इंस्पिरेशंस रही हैं मिस्टर रॉबर्ट डेनैरो अलबचीनो hmm. इस तरह के लोग हैं <laughs> और अमिताभ बच्चन साहब इस तरह के लोग हैं तो जो अब आपको हो गया होगा कि आपकी हाइट भी उनसे समझना क्या मुश्किल है नामुमकिन क्या सीन है नहीं वैसे ये आ, बहुत जल्दी समझ में नहीं आते सीरियसली बट जो लोग इनको जानते हैं और जो इनको समझते हैं इनके साथ वही रह सकते हैं ओके okay. मतलब एक दो मुलाकातों में ये आपको समझ नहीं आएगी कितने साल के जरिए आपकी शादी को इट्स बिन फोरटीन ईयर्स है ना फोरटी फोर्टीन ईयर्स तो अब तक कितना आप समझ चुकी हैं इतना uh, मैं इतना समझ चुकी हूँ कि शायद इनके घर वाले भी नहीं समझते इनको इनके फादर के बाद एक्चुअली Actually... क्योंकि ये अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है एब्जॉर्ब किया है ओके okay. तो वो शायद इनकी फैमिली वालों को भी नहीं इतना आइडिया मूवीज़ में कभी इंटरेस्ट लिया आपने मूवीज़ में शुरू में जब ऑफर हुई तो नाइन्टी नाइन की बात है दबीसन साहब शबी महाराज साहब आए तो उन्होंने कोई कहा कि अद्दा इस पर गोविंदा भी बनना है इसमें तो मैं माइकल जैक्सन भी बनना है इसमें तो ये बनना है मैंने कहा सर ये कैरेक्टर क्या है ये मैंने अच्छा मेरा जो एक एक्टिंग स्कूल ऑफ थाट है ये वो ये नहीं आया था मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा ये काम लेकिन मीरा आपके साथ हैं मैंने कहा सर मीरा की बात नहीं है मीरा जी हूँ कोई भी हूँ लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है मैं खुद उससे तो खुश नहीं हूँ यार मतलब हीरो मैंने कहा सर हीरो तो मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है <laughs> हीरो तो बनने ही नहीं, नहीं। <laughs> ऐसा। मतलब, मतलब बहुत आसान काम है आंखों में मतलब गाने पिक्चराइज करा लेना ये चीज़ें कर लेना मुझे पता है कि इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट काम वो भी मुश्किल है मुझे नहीं लगता है काम जू जू आपको थोड़ा सा समझ में आने लगता है ना वो आपके लिए और मुश्किल हो जाता है तो मैं कहता हूँ की कहानियाँ बहू की स्टोरीज जब तक हमारे कंटेंट में से नहीं जाएगी हमारा मुशरा नहीं सुधर सकता वही बच्चे देखते हैं लड़कियां देखती हैं सास भी बनती यस आप अपनी जनरेशन को न्यू जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं लेको दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हम लोग अभी उस सास बहू के गिरदी चक्कर लगा रहे हैं तो वी शुड चेंज आर माइंड सेट यू नो हमें अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है अगर हमें आगे तरक्की करनी है हमें अपने मुल्क को तरक्की करवाना है हमें प्रोग्रेस करना है हमें अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है तो आई थिंक हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स जो है वो सामने लाना होंगे तो हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है कि एक अगर कोई अच्छा एक्टर है अगर उसको कोई एक टाइप का सीन मिल गया ना सभी उसको उसी सीन में घुसाते हैं ऐसा भी कुछ सीन होता है मतलब चाहे वो उससे बेहतर शायद कर पाए बट उसको उसी सीन में हमारे यहाँ सपोज अगर इदनान ने एक नेगेटिव कैरेक्टर किया है तो बस एक स्टैंप लग जाएगा वाह जी वाह इनकी आ, मतलब कि ये कैरेक्टर की है आप सारी जिंदगी लाइफ टाइम इनको इसी कैरेक्टर में हाँ। आप यूटिलाइज करें कोई आपके और अंदर की वो नहीं देखेगा कि यार इसमें कितना पोटेंशियल है और क्या है तो हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है खुद ही एक्टिंग करती रहेंगे माशा से अपने करियर का स्टार्ट लिया। और सीनियर से सीनियर से अंकल लेके माशा इफ्तार उनके साथ उन्होंने काम किया और, और एक सीरियल अनोखा लाडला जो सलीम शेख की प्रोडक्शन थी उसी के दरमियान मेरी इनकी मुलाकात हुई थी जिसमें मेरी बीवी का ही रोल कर रही थी अल्लाह ने जब करना होता है हालांकि मैं वाज प्लेइंग नेगेटिव कैरेक्टर जो बीवी बड़ा जुल्म करता चौधरी है शायद मुझे इसीलिए अच्छा लगा ना कि आई लव विलेंस एक्चुअली हीरो से ज्यादा मुझे विलेन अच्छे लगते हैं सो नाइस मतलब काफी थिंकिंग मिलती है इसका मतलब बातों में चीजों में सो नाइस तो प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें तो बस वहीं पे मुलाकात uh, हुई काम करते गए और मुझे लगा कि ठीक है ये आई शुड गो फॉर दिस बस ठीक है वेरी नाइस <laughs> बिल्कुल जो फैक्ट है ठीक है, बात थीक है।, थीक है। ये ऐसी है। <laughs> बस आपकी बात पकड़ी गई है छोड़ देता हूँ तो आप मतलब घर में कैसे हैं कभी खाना छाना बनाया बीवी के लिए बड़े मोहब्बत से I wish हो? हाँ। मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिले मतलब दुनिया की जो ख़्वीन होती कहती यार आज हमारे मियाँ ने ये बनाया देखो हाँ आज हमारा रेस्ट डे था और मैं कहती हूँ अच्छा और मैं फिर इनको कहती हूँ यार आप मुझे कब मौका देंगे कि मैं आपकी तारीफ करूँ तो ये बिल्कुल नाम तो नहीं ले सकता जो कैमरे पे देख रहे हो अगर आप लोग तो ये बार याद रखो तो तुम लोगों ने मेरे अच्छा नहीं किया तुम देखना तुम ने मेस किया बहुत गलत किया एक्चुअली होता है क्या हमारे बहुत से दो तीन दोस्त मेरे ऐसे हैं कि चार होंगे जो खुद बड़े अच्छे कुक हैं वो कभी पाए बना लेते हैं दुनिया की हर चीज़ बना लेते हैं काबली पुलाव बना लेते हैं और ये एक से जिससे मैं भी बात कर रहा था वो काबली पुलाव भी बनाएगा वो रोश भी बनाता है वो ये भी बनाता है वो भाभी की भी बनाता है मैं किचन वाला आदमी हूँ नहीं

कौन से ज़माने की बात है तारीख में याद ही रखता है हो सकता है कि मैं जब बीमार हूँ तब की बात हो हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे मेरी पाकिस्तान, हमारी इंडस्ट्री में एक से एक हीरा एक्टर है एक से एक लेजेंड है इतना टैलेंट है बट प्लीज़ सबको मौका दें फेवरेटिज़म को ख़त्म करें सबको मौका दें नया कॉन्टेंट लेकर आए नए लोगों को लेकर आए और एक इक्वल राइट्स होने चाहिए सबके और ये जो सो so कॉल्ड आप लोगों ने अपनी कैटेगरीज बनाई हुई है ए क्लास बी क्लास इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके काम इफेक्ट होगा आपकी इंडस्ट्री जैसे सॉरी टू से फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई है आपकी ड्रामा इंडस्ट्री भी बंद हो सकती है तो काइंडली अपने काम के साथ सिंसियरिटी शो करें और सबको मौका दें काम करने अच्छा, का मेरे इनसे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट है जी जी उनकी बातें दुरुस्त हैं बिल्कुल थोड़ा सा ये है कि देखें कोई चीज जब बननी होती है तो पहले वो टूटती है जैसे पुराना मकान है खंडर नुमा अब उसको आपने रिकन्स्ट्रक करना है तो क्या करेंगे उसको पहले आप तोड़ेंगे वो टूटेगा फिर बनेगा तो मैं अल्लाह की तरह से बहुत उम्मीद रखता हूँ बहुत अच्छी उम्मीद रखता हूँ मुझे लगता है कि ऑल इज होप फॉर द बेस्ट कि आप लेकिन यह है कि कॉन्टेंट पर तवज्जो देने की जरूरत है एक्टर्स के लिए हुकूमत को भीख नहीं देनी चाहिए ये एक सीज़न एक्टर का एक एक्टर का कोई भी हो हक है कि उसके लिए मेडिकल भी फ्री हो उसको दे मेडिकल फ्री क्यों खाली है एक्टर <laughs> का मैं तो बोलता हूँ उनको फ्री होनी चाहिए मेडिकल फ्री होना चाहिए मैं जब एक्टर एक्टर बोलता हूँ मुझे लगता है कि नहीं मैं सेल्फिश हो रहा हूं इसलिए कि यार मतलब फलाही रियासत हम कहते हैं यहाँ पे फंड्स के नाम मैं बहुत सी चीजें जानता हूं पता नहीं क्या 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 ठीक है पेंडोरा बॉक्स खोलने पे पर पता नहीं क्या होगा बहुत कुछ होगा ठीक है लेकिन फायदा नहीं है ना हाँ। फंड्स मिलते हैं पंजाब को भी मिलते हैं सिंध को भी मिलते हैं और करोड़ों के मिलते हैं करोड़ों के मतलब अरबों तक जा सकती हैं वो ठीक है पता मतलब नहीं कहाँ जाती वो? हमारी तो मतलब आम आवाम की तो पेट्रोल और बिल्स और ये सब चीजें मतलब नहीं सब चीजों में उलझी हुई है हमारी तो लोग कहते कानून नहीं है इस मुल्क में हर चीज का कानून है उस पर सिर्फ अमल नहीं किया जाता अमल नहीं किया बस इतनी सी बात है नंबर टू कि आपके पास फंड्स नहीं है फंड्स कैसे नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर आता है कोई जिसकी हुकूमत आती है लूट कसूट के ये करके चले जाते हैं और हम लोग यूं दबका बच्चा नहीं होता सहमा हुआ बच्चा सहमा के के मुझे, यू, यूं यू ना करके मुझे मारना पड़ जाए यूं ना हो जाए करके दबके मारते ना जैसे वो एक मतलब एक अजीब सा निजाम सुलसा है लेकिन के रखा लेकिन लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं चलेगा ये मैं आपको बता दू तंग आमद बजंग आमद क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम के लिए एक लास्ट मैसेज जो बहुत ही प्यारा है और जो उनके दिल को टच करे यार मैं अपनी आवाम से अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपने प्यार करने वालों से अपने चाहने वालों से एक बात कहूँगा कि यार खुदा के वास्ते डरना छोड़ दें और ये टिक टॉक इन चीज़ों से निकल के कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें अगर ठेला भी लगा लेंगे ना बंद का बाप का कोई बुराई नहीं है मेहनत में कोई बुराई नहीं है ये बाहर के जो मुल्क के ख़्वाब हैं ना ये बड़े सुहाने होते हैं देखने में अमेरिका कनाडा ये वो लेकिन वहाँ जाके जब आपको पागलों की तरह मेहनत करनी पड़ती है ना अपनी फैमिली को मिस करते हैं आप और 24, 25, 26, 30 साल गुजारने के बाद कहते हैं हाय मैंने एक खो दिया इसी मुल्क को बनाए इसी मुल्क के अंदर बहुत कुछ है सर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है जिसके ज़रिए आप इस मुल्क के लिए भी कुछ कर सकते हैं और अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से कम मत समझिएगा जी बिल्कुल ऐसा ही है किसी के लिए अगर आप लोग अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा करने की भी जरूरत नहीं है तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद